हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं ब्रजेश सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं एक नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूं। तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक फंक्शंस क्या हैं। थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल को परिभाषित कीजिए और इनके मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्मोडायनामिक्स फंक्शन की। तो ऊष्मागतिकी में जो वेरिएबल्स पी हैं, वॉल्यूम बी है और ताप टी है और एंट्रोपी एस के पदों में जो विशिष्ट फंक्शन परिभाषित किए जाते हैं उन्हें हम थर्मोडायनामिक्स फंक्शन कहते हैं। यानी ऐसे फंक्शन जो पी बी टी और एस के पदों में व्यक्त किए जाते हैं वो थर्मोडायनामिक्स फंक्शन कहलाते हैं। अब आता है थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अवकलन द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की गणना की जाती है। सूत्र होता है ई इक्वल माइनस का ग्रेड बी। इसी प्रकार ऊष्मागतिकी में ऊष्मागतिकी फलनों के अवकलन से ऊष्मागतिक कोऑर्डिनेट ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ई उसका पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। इसी तरह से अगर ऊष्मागतिक फलनों का अवकलन कर दें तो ऊष्मागतिक कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं। इसमें ऊष्मागतिक फंक्शन को ऊष्मागतिकी पोटेंशियल भी कहते हैं। अब बात करते हैं मैक्सवेल के रिलेशन की। मैक्सवेल के चार रिलेशन हैं। पहला है इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा। तो ऊष्मागतिक निकाय का जो आणविक संगठन है और आणविक गति के कारण उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, यू कहलाती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है डी क्यू इक्वल डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू। यानी दी गई ऊष्मा जो है वो दो भागों में खर्च होती है, एक तो कार्य करने में और दूसरा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में। यहाँ से डी यू बराबर हो जाएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी क्यू का सूत्र होता है टी डी एस और डी डब्ल्यू का सूत्र होता है पी डी वी। अगर हम ये मान लें कि एस और बी कैसे हैं, स्वतंत्र हैं और इसको हम एस के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें डेवर यू अपॉन डेवर एस, तो यहाँ से क्या बचेगा टी डेवर एस, एस का क्या हो जाएगा वन। ऐसे ही एक बार बी के रेस्पेक्ट में करें तो इसका जीरो हो जाएगा और इसका बचेगा पी माइनस का। ठीक है, तो डेवर ओवर डेवर बी इसका करें डेवर यू अपॉन डेवर एस का पहले वाले का, और डेवर अपॉन डेवर एस करें किसका, दूसरे वाले का, डेवर यू अपॉन डेवर बी का। इसकी वैल्यू क्या है टी और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का पी। दूसरा आता है इसमें हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। यह फ्री एनर्जी या वर्क फंक्शन होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तनों में निकाय द्वारा किया गया कार्य फलन एफ के परिवर्तन के बराबर होता है। देखिए डी यू बराबर क्या था डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी क्यू का सूत्र क्या था टी डी एस, डी डब्ल्यू को हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, इस टी को हमने अंदर भेज दिया तो हो गया डी टी एस। ठीक, इसको इधर उठा लाएंगे डी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यू माइनस टी एस बराबर माइनस का डी डब्ल्यू। तो यहाँ से डी एफ बराबर क्या आ गया माइनस का डी डब्ल्यू। ठीक, अब इस पूरे को हम क्या मान ले रहे हैं एफ, यू माइनस टी एस हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। इसका अवकलन कर दें फिर से तो क्या आएगा डी एफ इक्वल, यहाँ सब जगह डी लग जाएगा जब अवकलन करेंगे तो। ठीक है, डी एफ डी यू और यहाँ डी टी एस। डी टी एस में डी यू का मान क्या था टी डी एस माइनस पी डी वी, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू था, डी क्यू का मान डी डी एस और डी डब्ल्यू का मान पी डी वी। इसका करेंगे ए इंटू बी से तो डी टी एस ही रहेगा डी एस हो जाएगा, फिर एस एस ही रहेगा डी टी हो जाएगा। ठीक, ये माइनस है चिन्ह बदल जाएगा, हल करेंगे तो डी एफ बराबर आ जाएगा माइनस का पी डी वी माइनस का एस डी टी। एक बार जब इसे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का पी बचेगा और एक बार टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का एस बचेगा। एक बार फिर इसका करेंगे, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी पी की और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी एस की। ठीक, थर्ड आता है इसमें एंथैल्पी। एंथैल्पी जो होता है इसकी वैल्यू सिस्टम के मास पर डिपेंड करती है। एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो जो भी सिस्टम हमने लिया है उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करती है, और इसकी जो टोटल एनर्जी वो होती है वो एच बराबर क्या होती है यू प्लस पी वी। डिफ्रेंशिएशन करें डी एच बराबर डी यू प्लस टी पी वी। डी यू का मान वही टी डी एस माइनस का पी डी वी, इसमें ए इन टू बी पी डी वी और बी डी पी। ठीक, हल करेंगे तो डी एच बराबर आ जाएगा टी डी एस प्लस
पीडीबी, ये पीडीबी से पीडीबी कैंसिल हो जाएगा, तो डीएच बराबर हो गया टीडीएस। ठीक, एक बार अगर हम एस के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टी आ जाएगा, एक बार पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी। ठीक, नेक्स्ट आता है गिब्स फंक्शन। यदि समतापी और समतापी प्रक्रमों के द्वारा किसी ऊष्मागतिक निकाय में परिवर्तन किया जाए तो निकाय का गिब्स फंक्शन सदैव क्या रहता है, कांस्टेंट। गिब्स फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच माइनस टी एस। ठीक है, एच का सूत्र होता है यू प्लस पी वी, माइनस का टी एस। अवकलन करेंगे डी लग जाएगा, यहाँ पर भी डी लग जाएगा, यहाँ भी डी लग जाएगा और यहाँ भी डी, इसमें भी एन टू भी लगाएंगे तो पहले पी एस ही रहेगा। डी यू का मान क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी बी, इसमें एन टू बी करेंगे तो पहले पी एस ही, बी का डी बी, फिर बी एस ई, पी का डी पी, ऐसे यहाँ पर टी एस ई डी एस, एस एस ई डी टी। ठीक, तो डी जी बराबर ये कट पिट जाएंगे कुछ, टी डी एस से टी डी एस कट जाएगा और पी डी बी से पी डी बी कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास पी डी पी माइनस एस डी टी, एक बार पी के रेस्पेक्ट में और एक बार किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में। जब पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बी आएगा, एस के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का एस आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एंट्रोपी, ठीक है, और मैक्सवेल के फंक्शन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।